दोस्तों आज हम बनाने वाले कच्ची कैरी का ये चटपटा अचार, वो भी एकदम दादी नानी वाली रेसिपी से। दिख रहा है ना ये अचार एकदम ऑथेंटिक, इसका तो कलर देखते ही मुंह में पानी आने लगता है। और हाँ फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आप पूरा जरूर देखें। इसमें मैं बताने वाली हूँ अचार मसाला की रेसिपी और वीडियो के एंड में शेयर करने वाली हूँ ऐसे टिप्स जिससे आपका अचार पूरे साल बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो चलिए बिना देर के शुरू कर देते हैं हम आज की हमारी ये स्पेशल रेसिपी। इस अचार को बनाने के लिए आज हम ले रहे हैं 1 किलो कच्ची कैरी। ये अचार की कैरी राजापुरी के नाम से मिलती है, या फिर आप सिर्फ अचार की कैरी बोल के खरीदेंगे ना तो भी मिल जाएगी। इस कैरी में रेशे भी कम होते हैं और दल बहुत ज्यादा होता है। इस तरह की कैरी से अचार बहुत स्वादिष्ट बनता है। इन कैरियों को मैंने साफ करके धो लिया है और पूरा पानी पोंछ कर सुखा दिया है। अब कैरी को छोटे छोटे पीसेस में कट करना है, तो सबसे पहले तो ये काला सिरे वाला पार्ट कट करके अलग कर देंगे और अब हम इसे काटेंगे। वैसे तो आप चाहें ना तो इसे मार्केट से भी कटवा कर ला सकते हैं, परंतु फ्रेंड्स ये हार्ड गुठली वाला पार्ट होता है ना, वो मेरे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं हमेशा इसके पीसेस हाथ से ही कट कर लेती हूँ। देखिए एकदम एक समान छोटे छोटे पीसेस में इसके काट रही हूँ। बड़े पीसेस में अक्सर ऐसा होता है कि हम ले तो लेते हैं खाने के लिए, मगर पूरा खा नहीं पाते हैं और फिर वो वेस्ट होते हैं, इसलिए मैं अक्सर ही छोटे छोटे पीसेस काटती हूँ। आप देख रहे हैं इस कैरी में दल भी बहुत अच्छा है और बिना रेशे के, इसलिए इन्हें काटना भी बहुत इजी है। देखिए इसी तरह से पूरी कैरी के छोटे छोटे पीसेस मैंने काट कर तैयार कर लिए हैं। और देखिए इस कैरी की गुठलियाँ एकदम पतली निकली है, इसलिए इस कैरी को मैं अचार के लिए बेस्ट कैरी मानती हूँ। इसमें वेस्टेज बहुत ही कम होता है। सिर्फ 1 किलो कैरी में आप देखिए इतने सारे पीसेस तैयार हो गए। दोस्तों अब बारी है अचार का मसाला तैयार करने की। इसके लिए पहले हम खड़े मसालों को भुनेंगे। फ्रेंड्स मसालों की एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको मैं बनाते बनाते ही बताते जाऊंगी। सबसे पहले तो कढ़ाई में हम डालेंगे 2 बड़ी चम्मच मेथी दाना। इसे लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। लगभग 2 मिनट में मेथी दाना हल्का सा ब्राउन होने लगेगा। इस समय हम इसमें डालेंगे 2 बड़ी चम्मच जितनी सौंफ। अब सौंफ को भी मेथी दाना के साथ ही रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एग्जैक्ट 1 किलो कैरी के लिए जो मसाला लगेगा वो ही मैं आज आपको तैयार करके बता रही हूँ। चलिए लगभग 2 मिनट तक मेथी दाना के साथ सौंफ को भी हमने सेक लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़ी चम्मच राई की दाल और 4-5 डाल देंगे लौंग। इन्हें भी लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स इन खड़े मसालों को सेकना इसलिए जरूरी है कि जो हल्की सी नमी इनमें होगी ना वो खत्म हो जाएगी और साथ ही इनकी खुशबू बहुत बढ़ जाएगी। इनका जो फ्लेवर अचार में आएगा ना वो बहुत ही अच्छा आ जाएगा। देखिए ये मसाले अब रोस्ट हो चुके हैं, इनमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। अब तुरंत ही इन्हें एक दूसरे बर्तन में खाली कर थोड़ा सा फैला देंगे जिससे कि ये ठंडे हो जाएं। चलिए तो अब ये खड़े मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं, इन्हें पीसने के लिए ग्राइंडर में शिफ्ट करेंगे और पल्स मोड पर दरदरा पीस लेंगे। फ्रेंड्स ध्यान रहे जैसे मैंने दिखाया है सिर्फ उतना ही उसी तरह से पीसना है और एक बड़े बाउल में अब निकाल लेंगे। अब आप देखें ठीक इतना ही हमें इन्हें पीसना है। फ्रेंड्स अचार में ये मसाले दरदरे ही अच्छे लगते हैं, इन्हें हमने बिल्कुल थोड़ा सा पीसा है, वो भी इसलिए कि इन्हें पीसने से अचार में इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा उतर जाता है। तो दोस्तों अब बारी है इसमें बाकी मसाले मिलाने की। तो इसमें अब हम डालेंगे 2 टीस्पून कलौंजी, या इसे किरायता भी बोलते हैं। 4 टीस्पून हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ 4 टीस्पून ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। दोस्तों ये जो कश्मीरी मिर्च है ना ये तीखी भी नहीं होती है और इससे अचार का कलर बहुत ही सुंदर आ जाता है। इसके साथ ही हम डालेंगे 3 टीस्पून हल्दी पाउडर। 2 टीस्पून में डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, 2 बड़े चम्मच जितना नमक, 1 छोटी चम्मच हींग पाउडर। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए इन सभी मसालों की क्वांटिटी ग्राम्स में मैंने स्क्रीन पर लिख दी है। ये अचार का मसाला हमारा रेडी है, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए तो अब आ जाते हैं हम हमारी फाइनल स्टेप पर, यानी कि तैयार करते हैं हमारा कच्ची कैरी वाला अचार। इन कटी हुई कैरियों को बड़े बाउल में लेकर इन पर डालेंगे पूरा मसाला और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स देखिए अभी से ये अचार कितना टेम्पटिंग दिख रहा है ना, कि सभी मसाले अच्छी तरह से कैरी में मिलाने के बाद इस समय हम इस अचार को 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। अब हम अचार में डालने के लिए तेल तैयार करेंगे। देखिए मैंने यहाँ 600 ग्राम मूंगफली का तेल लिया है, इसे मैं गरम कर रही हूँ। अब ये पूरा गरम हो चुका है इसलिए इसे गैस पर से उतार कर ठंडा करेंगे। फ्रेंड्स जब ये तेल लगभग 80% ठंडा हो चुका होगा उस समय हम इसमें 1/2 टीस्पून हींग पाउडर डालकर इसे मिक्स करेंगे।
देखिए अब हमारा ये तेल अचार में डालने के लिए एकदम तैयार हो चुका है और लगभग एक घंटा अचार को ढके हुए भी हो चुका है। इसका ढक्कन हटाएंगे और इसे एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं केरी को मसालों के साथ छोड़ देने से इसमें हल्की सी नमी आ गई है, इसीलिए हमने इसमें तुरंत तेल नहीं डाला था। फ्रेंड्स अगर हम इसमें तुरंत ही तेल डाल देना तो केरी गल नहीं पाती है और बहुत दिनों तक अचार खाने लायक नहीं हो पाता है। केरी की खटाई भी मसालों में नहीं जा पाती है। इसे ऐसे ही रखने से नमक की वजह से केरी हल्की सी नरम पड़ जाती है और अचार बनने के बाद एक दो दिन में ही खाने लायक हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स तो अब इस अचार में हम तेल डालेंगे। फ्रेंड्स तेल की क्वांटिटी जितनी मैंने बताई है उतनी ही आप जरूर डालिए, अगर आप तेल कम रखेंगे ना तो अचार जल्दी खराब हो जाएगा। चलिए तो अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं और अब बारी है इस अचार को बर्नी में भरने की। फ्रेंड्स परंतु अचार को बर्नी में भरने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टिप देना चाहती हूँ। एक तो हमें हमेशा अचार भरने के लिए कांच की बर्नी ही यूज करना चाहिए। दूसरा ये है कि बर्नी एकदम ड्राई और साफ सुथरी होनी चाहिए। फ्रेंड्स देखिए ये बर्नी देखने में एकदम ड्राई लग रही है फिर भी इसमें थोड़ी नमी तो रहती है, इसलिए अचार भरने से पहले इस बर्नी को गैस की फ्लेम पर इस तरह से गर्म करेंगे। जैसे ही इसे गर्म किया है आप देख सकते हैं इसमें नमी सी दिखने लगी है, बस 30 सेकंड्स में ही ये नमी खत्म हो जाएगी और ये बर्नी अचार भरने के लिए एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो चलिए अब इस बर्नी में हम अचार भर सकते हैं। कितना सुंदर और टेम्पटिंग दिख रहा है ना ये अचार। तो ये हमारा अचार बनकर तैयार है। आप भी इसी रेसिपी से अचार बनाइए और इस चटपटे अचार का मजा लीजिए। और चलिए अब आपको वो खास बातें बता देती हूँ जो अचार को पूरे साल अच्छा रखने के लिए जरूरी है। फ्रेंड्स अचार में तेल हमेशा एक उंगली जितना ऊपर रहना चाहिए। अगर आपको लगे कि तेल कम है तो आप इसमें ऊपर से गर्म करके तेल डाल दीजिए। ऐसा करने से आपके अचार में कभी भी फूलन नहीं आएगी। जब भी अचार निकालें तो साफ और एकदम सूखी चम्मच से ही निकालें। तीसरी बात है जब भी आप अचार निकालें तो वापस से अचार को पूरी तरह से तेल में डुबा दें। जो भी पोर्शन अचार का तेल से बाहर रह जाएगा उसमें फूलन लग सकती है। चौथी बात जो हमें ध्यान रखनी है, जब भी हम अचार निकालते हैं ना तब अचार की बर्नी में अचार इधर उधर लग जाता है, उसे साफ कपड़े से टिश्यू पेपर से क्लीन कर दीजिए, अदरवाइज जो बर्नी में चिपका हुआ अचार है ना उसमें फूलन आने लगेगी। दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स है, अगर आप इन्हें ध्यान रखेंगे तो आपका अचार पूरे साल एकदम से अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही फिर एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।